हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इन्फिनिक्स फ़ोन में कीबोर्ड की पूरी सेटिंग को कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं उस सेटिंग्स में आ जाएंगे, इसी सेटिंग्स में आना है और अब कीबोर्ड ऐप को खोजना है। तो हम आते हैं नीचे, तो देखिए यहाँ पर ऐप आ चुका है, जीबोर्ड नाम से हमारे फ़ोन में है। हम इस ऐप पर क्लिक करते हैं। अब देखिए, अगर आप गूगल का कीबोर्ड यूज करते हैं तो आपके भी फ़ोन में जीबोर्ड नाम से होगा, आप क्लिक कर देना। लेकिन अगर आप कोई और कीबोर्ड यूज करते हैं तो आपको उस ऐप पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना है। इतना करने के बाद अब यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ऐसा करने से कुछ भी डिलीट नहीं होगा। फिर आना है बैक होम स्क्रीन पर और अब अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। कैसे रीस्टार्ट करेंगे, तो देखिए जो फ़ोन का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक होती है, इस बटन को कुछ सेकंड तक दबाकर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही फिर से क्लिक कर देंगे तो फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा। इससे आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा और जो भी प्रॉब्लम रहेगी सब सही हो जाएगी। फिर आप कीबोर्ड को ओपन कर सकते हैं, पूरी सेटिंग आपकी सही रहेगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।